नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे यानी रीट शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर लेवल ए की जो वेटिंग है वो आएगी, तो इसकी जो कट ऑफ है यानी इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप वेटिंग में आपका चांस बन सकता है और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अपने इस वीडियो में सारी कैटेगरी की बात करेंगे भी, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो वेटिंग की वो कितनी जाने की उम्मीद है। तो आप बने रहिए मेरे साथ तो वीडियो के अंत तक, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस आरएस स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल की, जो जिसका रिजल्ट आया था उसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ गई थी वो 111 नंबर गई थी। तो अब वेटिंग के बाद में जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 106 से यानी 107 नंबर वालों का इसमें चांस बन सकता है। 107 वालों का इसमें श्योर है, लेकिन 100 जिसके 106 नंबर आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परेशानी आ सकती है, यानी इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है। यानी वैसे 106 जिसके नंबर आ रहे हैं वो वेटिंग में उसका चांस बन सकता है। और आगे अपने अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगली कैटेगरी है ओबीसी, यानी ओबीसी के अंदर जिसके 106 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और अपने आगे कैटेगरी आती है एमबीसी, यानी एमबीसी का जिसके 104 नंबर बन रहे हैं तो उनका श्योर है, 100% है कि उनका इसमें चांस बन सकता है। आगे अपने अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। आगे कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी, यानी एससी के अंदर जिसके 100% नंबर बन रहे हैं उनका लगभग 100% श्योर है कि उनका चांस बन सकता है, यानी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यार वेटिंग लिस्ट के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 100 नंबर बन रहे हैं उसका 100% श्योर है। और अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 95 मार्क्स बन रहे हैं उनका चांस बन सकता है, यानी वो सिलेक्ट हो सकते हैं। इसकी रीट लेवल फर्स्ट की जो वेटिंग है वो एक्सपेक्टेड इसकी कट ऑफ क्या थी आपने अभी। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि कोई आपका सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ बड़ी अपडेट के साथ और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।